नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं आज का वीडियो लेके आई हूँ एक वेलवेट साड़ी जो मैंने फैब्रिक लाके खुद ही क्रिएट की है। लेकिन जब मैं फैब्रिक लेके आई थी, मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने फैब्रिक और लेस वगैरह दिखाई थी, वो वीडियो मेरे से डिलीट हो गया है, तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकती। उसके आगे का जो प्रोसेस है वो मैं सब आपको दिखाऊंगी। अभी हम पार्टी वगैरह में जाते हैं तो स्वेटर शॉल लेने में थोड़ा वो लगता है कि ये स्वेटर शॉल से हमारी साड़ी का लुक खराब हो रहा है। तो अगर हम वेलवेट की साड़ी पहनते हैं तो वो ही काफी फैंसी साड़ी होती है, उसका स्टफ इतना मोटा होता है। वेलवेट काफी गर्म कपड़ा होता है, हमें काफी उससे गर्मी मिलती है, तो हमें वो साड़ी पहनने के बाद कोई शॉल स्वेटर लेने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो ऑनलाइन वगैरह भी आ रही हैं साड़ियाँ, लेकिन अगर हम कभी अपने आप कोई फैब्रिक लेके आते हैं तो उसकी क्वालिटी और कलर डिजाइन सब कुछ अपनी पसंद का लेके बनाते हैं तो वो काफी अच्छा रहता है। तो चलिए, मैंने बनाया है वो देखिए कैसा है। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आ चुकी हूँ मशीन के पास साड़ी को लेके। मैंने पहले क्या किया है, इसका सब पूरी लेस को मैंने सुई के साथ ऐसे कच्चा कर लिया था। अगर हम में ये डायरेक्टली लगाते हैं ना तो थोड़ा झोल वगैरह आने का डर रहता है, इसलिए हमेशा पहले कच्चा कर लें उसके बाद ही मशीन लगाएं। तो ये मेरी मशीन लग के कम्प्लीट हो चुकी है, क्योंकि ईजी हो जाता है अगर हम पहले से हाथ की सहायता से लगा लेते हैं। तो अगर कोई बिगनर है तो उसके लिए तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है कि पहले हाथ से कच्चा कर लें उसके बाद ही मशीन लगाएं। तो देखिए, यहाँ मैंने पूरी साड़ी पे लेस लगा कंप्लीट कर ली है। देखिए मेरी लेस लग चुकी है, कहीं कोई झोल वगैरह कुछ नहीं आया है। अभी जो पीछे से देखिए कच्चे टांके नज़र आ रहे हैं, जो ये मैं सारे निकाल दूंगी। ये मैंने दूसरे कलर का धागा लगाया था ताकि हमें ये कच्चे टांके अलग से दिखें। तो देखिए मेरी साड़ी हो चुकी है यहाँ पर, ये लेस लगा कंप्लीट। तो अब मैं इसे ले आई हूँ अंदर। अब मैंने यहाँ पर बेड पे बिछा के अच्छे से प्लेट्स बना ली हैं और मैंने यहाँ पर पिनअप कर ली है प्लेट्स को। और ये मैंने चार प्लेटें बनाई हैं, ज़्यादा प्लेटें हम नहीं बनाएंगे क्योंकि ये काफ़ी मोटा कपड़ा होता है। तो मैंने यहाँ पर एक ऊपर भी पिन लगा दी है और ये यहाँ नीचे से भी बराबर कर ली है। और मैं यहाँ तक कच्चा कर लूँगी लगभग 6 इंच के आसपास, यहाँ स्क्वायर में ऐसे करके। ये पहले मैं सुई से करूँगी उसके बाद मशीन लगाऊँगी यहाँ पर। यहाँ मैं 6 इंच के लगभग सिलाई लगाऊँगी, क्योंकि 3 इंच के आसपास तो ये अंदर टक हो जाएगा जहाँ तक ये प्लेन कपड़ा नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पर पिन लगा ली है। अब मैं इसे सुई की सहायता से चारों तरफ सिलाई लगा लूँगी यहाँ तक लगभग 6 इंच के आसपास, क्योंकि हमारा ऊपर का जो प्लेन हिस्सा जहाँ तक दिख रहा है वो तो अंदर टक होने में चला जाएगा। तो मैं ये सुई से बड़े बड़े टांके लगा लेती हूँ। ये ऐसे टांके लगाने से क्या होगा, जब हम मशीन पे इसकी सिलाई करेंगे तो हमारी प्लेटें एक भी इधर से उधर नहीं भागेंगी। ये काफ़ी सफाई के साथ हमें काम करना है, ताकि ये भी देखना है कहीं झोल वगैरह ना आए और हमारी सारी प्लेट्स बराबर रहें।
मैंने काफी बड़े बड़े ही टांके लगाए हैं यहाँ पर। कैंची मैं लाना भूल गई थी यहाँ पर, तो ऐसे ही मैंने हाथ से तोड़ दिया धागा। देखिए मैंने पूरा ही कच्चे से करके टांके लगा लिए, क्योंकि इतना तो अंदर चला जाएगा और नीचे 4-5 इंच बचेगा। और ये जो पैच लेके आई हूँ ये मैं लगा दूँगी, ये कम से कम 6 इंच की नीचे का हिस्सा इसका 6 इंच तक पे रहना चाहिए। इतनी दूराई पे मैं इसे पैच को अटैच कर दूँगी। तो चलिए मशीन की तरफ चलते हैं, अब मैं इसे पक्का करके लेके आती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे फिनिश कर लिया है मशीन से लगाने के बाद, सारी सिलाई लगा ली पक्की मशीन से और कच्चे जो टांके थे वो भी निकाल दिए हैं, और ये मैंने पैच भी इसमें अटैच कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स मेरी साड़ी बनके रेडी हो चुकी है, ये मैंने कंप्लीट कर ली है पूरी लेस वगैरह लगा के। देखिए सब तरफ मैंने अच्छे से लेस लगा ली है, देखिए बहुत ही प्यारी साड़ी लग रही है ये। और ये मैं जो पैच आपको दिखाया था ये पल्लू पे लगाने के लिए लेके आई थी, लेकिन यहाँ मैंने नहीं लगाया, ये मैंने यहाँ प्लेट्स पे लगा दिया है। इससे क्या हुआ है प्लेट्स में, ये जो काफ़ी हैवी कपड़ा है तो इसकी प्लेट्स काफ़ी मोटी मोटी सी हैं, तो अगर वैसे ही रखती तो ये काफ़ी यहाँ पर ऐसा मोटा सा रहता, पेट पे अजीब सा लगता है ये। तो मैंने ये पैच यहाँ पर लगा दिया, इससे ये कमी है दब गई हैं, प्रेस सी हो गई है प्लेट्स में। टाइप की साड़ी में बना ही लेनी चाहिए, क्योंकि ये बनी रहती है तो ये अच्छे से प्रेस करी हुई रहती हैं। हम अगर डेली डेली बनाएंगे ना प्लेट्स जब भी पहनेंगे तो वो फूली फूली सी रहेंगी। तो ये हमारी जो इस टाइप की साड़ी हो, जो जिनका स्टफ काफ़ी हैवी हो, तो उसकी हम प्लेट्स ऐसे बना लें तो ये ऐसे प्रेस सी रहेगी, बिल्कुल ऐसे ज़्यादा ऐसा मोटा जो है कपड़ा ये नहीं लगेगा। तो ये मैंने यहाँ से ये सिलाई मैंने लगा ली है चारों तरफ मशीन से, पहले मैंने कच्चा किया था वो दिखाया भी था मैंने आपको, उसके बाद मैंने ये हाथ से ही लगाया पैच, ये मशीन से नहीं लगा था क्योंकि ये काफ़ी हैवी हो गया है, 4-5 प्लेटें हो गई, 4 प्लेटें, तो ये मशीन यहाँ चली नहीं थी, तो मैंने सुई की सहायता से ही ये मैंने पैच यहाँ पर लगा लिया है। ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, यहाँ पर हमें कोई फैंसी पिन वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। तो वो तो आपने पिक में देख ही लिया होगा। तो ये मेरी बहुत ही खूबसूरत सी पार्टी वेयर साड़ी रेडी हो गई है। सर्दियों में हमें कुछ भी नहीं पहनने की ज़रूरत है, बस ये साड़ी और ब्लाउज ही पहन लें। ये बहुत ब्लाउज भी मैं इसका ही वेलवेट के कपड़े में बनाऊंगी, इस तरह का, इस कलर का कंट्रास्ट में बनाऊंगी, ये भी वेलवेट में ही है। तो बहुत ही गर्म रहने वाली है साड़ी और काफ़ी हैवी है, मैंने पहन के देखी काफ़ी स्टफ काफ़ी हैवी है, तो ये सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छा है। एक आध साड़ी आप भी ऐसे बना के रेडी करिए, आपको अच्छी लग रही हो तो एक मेरी मेहनत के लिए एक कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए। तो आप कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरी साड़ी आपको कैसी लग रही है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।